73वां गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, पूर्व सैनिक, एनसीसी व एनएसएस इत्यादि के कैडेट्स शामिल थे। गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती झांकियां भी प्रस्तुत की गई। बता दें, बर्फबारी और खराब मौसम के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शिमला के गेटी थिएटर में किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने कोविड महामारी से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम और लघु नाटिका प्रस्तुत की। ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकियों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नगर निगम शिमला को दूसरा और शिमला विभाग की झांकी को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने सरकारी क्षेत्र में महात्मा गांधी स्वास्थ्य सेवा संस्थान खनेरी रामपुर को और लॉयन रियोन डायलिसिस एवं हेल्थ केयर सेंटर न्यू शिमला को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर संचालन के लिए सम्मानित किया। सबसे पहले ऐसे प्रसन्न वातावरण में भारतीय गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता को भी। वैसे आज पूरा माहौल लगता तो है अलग सा है, परंतु प्रसन्न भी है और यहाँ से ऐसे ठंडे वातावरण में भी हम कुछ ऊर्जा लेकर जाने वाले हैं। आज के यहाँ के सांस्कृतिक झांकियाँ हमने देखी, उसमें भी एक संदेश दिया है हम सबको, खास करके जनसंपर्क विभाग ने और सूचना विभाग ने, कि आने वाले समय में भी हमको सतर्क रहना है जो महामारी यहाँ फैल रही है, और उसमें हम सबको सतर्क रहकर ही उसके साथ मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमने देखी यहाँ झांकियाँ, उस झांकियाँ में हमारे प्रदेश ने पिछले 3-4 सालों से जो प्रगति की है उसका पूरा प्रदर्शन चित्र हमको देखने को मिला है। मैं चाहता हूँ पूरी प्रदेश की जनता इसके ओर ध्यान दे और खुद को भी इसमें सहभागी करके ले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे। फिर एक बार यहाँ पूरे प्रदेश के पूरी जनता को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी समय हमारे प्रदेश में इस गणतंत्र के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे सभी ऐतिहासिक महापुरुष वीर पुरुष को मैं और एक बार अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।